नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल के आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। भाई साहब, तरण आदर्श तो हिल चुके हैं जवान की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखने के बाद, और बोलते हैं कि 30 दिन गुजरने के बाद भी अभी भी शाहरुख खान का स्टारडम कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, और शाहरुख खान की फिल्म ने वो कारनामा करके दिखाया है जो कि आज से पहले किसी भी बॉलीवुड की मूवी ने नहीं किया था। या दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म जवान ने पूरी दुनिया से 1110 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार कर लिया है, और कल है संडे, आज की नाइट की ऑक्यूपेंसी भी काफी ज्यादा है, जबकि एक महीने के अंदर मिशन रानीगंज से लेके बहुत बड़ी बड़ी मूवीज आ चुकी है, एक तरफ फुकरे भी आ चुकी है, लेकिन लोग आज भी विक्रम राठौर को देखना ही पसंद कर रहे हैं। विक्रम राठौर का चाहे राजनीतिक संदेश हो, चाहे सामाजिक संदेश हो, हर किसी ने इस मूवी को जम के सपोर्ट किया है, और यही नहीं, आज भी इस मूवी के काफी टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, और बुक माय शो के ऊपर भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाउसफुल शोज भी जवान को मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक महीने तक इतना लंबा कोई भी बॉलीवुड की मूवी नहीं टिक पाती, वही जवान है जो कि कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वही जवान फिल्म ने 600 करोड़ रुपए तो पूरी इंडिया से कर लिए, लेकिन ये 700 करोड़ रुपए का भी क्लब ओपन करने वाली है, यानी कि इतिहास गवाह रहेगा कि शाहरुख खान ही इकलौते ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि अपनी मूवीज के खुद रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। या दोस्तों, ये बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और सदियों तक याद रखी जाएगी कि बॉलीवुड का जब सितारा अस्त हो रहा था तो उसको दोबारा से जिंदा करने एक बार फिर से शाहरुख खान को आना पड़ा, और अब जो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है वो रिकॉर्ड और कोई नहीं, डंकी मूवी तोड़ सकती है, ऐसी बातें हो रही है, और कहीं ऐसा प्रोपोगंडा भी बनाया जा रहा है, और शाहरुख खान की जो पुरानी फेक वीडियोस को वायरल करके ये बता दिया गया है कि शाहरुख खान ने अपने ही फ्रेंड को थप्पड़ मार दी। लो कर लो बात, ये हमेशा से होता रहा है, जब जब शाहरुख खान की मूवीज आती है तो उसके साथ प्रोपोगंडा करने वाले भी आते हैं। शाहरुख खान की मूवीज का बायकॉट भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी किंग हमेशा किंग ही रहता है, और वो अपनी बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड से ये प्रूव करता है कि शाहरुख खान सिर्फ नाम नहीं है, ब्रांड है। बाकी आपने इस मूवी को कितना एक्सपीरियंस किया है ओटीटी की, आपने वीडियो देखी नहीं देखी, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको लाजमी देखिएगा, और शाहरुख खान के राजनीतिक संदेश को आपने किस कदर फॉलो किया है यह भी लाजमी बताना। बाकी अगर आप शाहरुख खान के फ्रेंड हो तो राहुल भाई से जुड़ जाओ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इसी तरीके से शाहरुख खान की आने वाली हर एक मूवी की अपडेट टाइमली मिलती रहे, और इसी तरीके से आप शाहरुख खान की मूवी से अपडेटेड रहो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।